हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित और आज हम आए हैं चक्की मोड़, वो भी कैंपिंग के लिए। दोस्तों आज हम यहां पे कैंपिंग करने वाले हैं, यहां पे अपना कैंपिंग टेंट लगाने वाले हैं और दोस्तों फुल एंजॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो के साथ बने रहना। और तो गाइस हम लोग यहां पे इस जगह पे कैंपिंग के लिए सोच रहे थे, लेकिन यहां पे कोई प्लेन जगह मिली नहीं, तो हम लोग दोस्तों आगे की ओर जा रहे हैं। वहाँ पर थोड़ी सी प्लेन जगह है और वहाँ पर डालते हैं अपना कैंप और इंजॉय करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये हमारा कैंप है और हमने ये वाली जगह चूज़ करी हुई है। आपको दिखा देते हैं, ये यही थोड़ा सा प्लेन सा एरिया है, बाकी तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पत्थर पुत्थर से हैं, कोई प्लेन एरिया नहीं है। वहाँ पर हमारा टेंट लग नहीं पाता, तो हम यहाँ अपना टेंट लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। जगह तो हमने पूरी बराबर कर दिया, साफ कर दिया है। अब चलिए कैंप लगाते हैं। कैंप रेडी हो गया है और आइए आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा है। स्टार्टिंग में ये देखिए दोस्तों, ये डोर मैट है, यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह निकाल सकते हैं। और अंदर देखिए 2% की जगह है इसमें। वैसे ये तो 2% के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें हम 3 भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर की फैसिलिटी वगैरह दिखाता हूँ आपको क्या क्या अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये अपने फ़ोन वगैरह रखने के लिए या अपनी टॉर्च वगैरह ये सब इसमें रख सकते हैं। अंदर से देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है, और दोनों साइड दे रखा है। और दोस्तों और यहाँ की स्पेस देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है। ये देखिए, हमने 2% के लिए ऑर्डर किया था 2% वाला, लेकिन इसमें जब हमने इसको कैंप लगाया तो देखा इसमें तो 3 भी एडजस्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों टेंट के अंदर एक और फैसिलिटी है, देखिए कॉर्नर में। ये देखिए, अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल केबल वगैरह लाना चाहे तो यहाँ से लेकर आ सकते हैं। ये देखिए, नहीं तो फिर ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, ये बाहर के लिए, ये नेट के लिए भी दिया हुआ है, बाहर से खुल जाएगा, इसकी चेन लगी हुई है और ये बाहर से खुल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, इसको आपको बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ये पूरा क्लोज हो गया है। अगर आप नाइट में कैंपिंग वगैरह करना चाहें तो यहाँ पे आराम से बेजग यहाँ पे कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है, इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, पानी पुनी बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये देखिए, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों बाहर का नज़ारा देखिए, दोस्तों ये था हमारा कैंप। आपको हमारा कैंप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट में तो दोस्तों चाय का सोच किया था कि हम यहाँ पे चाय बनाएंगे और बिस्किट वगैरह सब कुछ लेके आने वाले थे, बट यहाँ पे शॉप्स वगैरह खुली नहीं, सिर्फ दूध मिला है। अब हम सिर्फ उसी को बॉयल करके पियेंगे। तो उसके लिए दोस्तों, बॉयल करने के लिए सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं लकड़ियाँ वगैरह। तो लकड़ियाँ तो दोस्तों उस पार हैं, ये देखिए इसको पार करके जाना पड़ेगा। वो देखिए, वो गया भी है, हम इसको पार करके जाते हैं, देखते हैं लकड़ियाँ वगैरह तोड़ के लेके आते हैं वहाँ से। फिर यहाँ पे दोस्तों अपने टेंट के पास, फिर यहाँ पे चूल्हा वगैरह जलाएंगे, दूध बॉयल करेंगे
चल फिर आपको आगे का दिखाते हैं। दोस्तों पहले इसको पार करके चलते हैं आगे। क्या कर रहा है यार? तो दोस्तों ये हमने चूल्हा बनाया है, अब हम आग जलाने जा रहे हैं और इसमें करेंगे दूध बॉईल। दोस्तों कैंप लगाते हुए हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, हमने उसके चारों कॉर्नर पे उसकी कीले नहीं लगाई थी और उसकी वजह से हमारा टेंट अभी उड़ के थोड़ी सी दूर पे चला गया था। तो हम वही गलतियां सुधार रहे हैं, अब कील लगाने जा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ताकि टेंट यहीं पे जड़ा रहे, चारों कॉर्नर पे लगाएंगे। दोस्तों हमारा प्लान था कि हम सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में चाय वगैरह बनाएंगे, बट यहाँ पे शॉप्स वगैरह हमने दोबारा जाके देखी खुली हुई नहीं थी, तो इस करके हमने दूध बॉयल किया है। और ये देखिए छोटी सी पिकनिक बना रहे हैं अंदर, ये देखिए मुकेश पाल जी। अब मुकेश पाल जी हमारा दोपहर का क्या प्लान है बताइए? दोपहर में हम बनाएंगे पनीर टिक्का और उसकी तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी, इसको पहले खा लेते हैं, दूध अपना ख़त्म करते हैं, फिर तैयारी करते हैं पनीर टिक्के की। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा नदी में जाके नहा लेते हैं, पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर दोपहर को 2 बजे के करीब हम लोग बनाएंगे पनीर टिक्का। तो दोस्तों अब हमारा पनीर टिक्का बनाने का टाइम हो गया है, दोपहर के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं और हम अब तैयारी कर रहे हैं पनीर टिक्का बनाने की। तो ये देखिए उसका सामान, देखिए मुकेश पाल जी काट रहे हैं प्याज और ये कैप्सिकम भी हमारे पास और ये कुछ मसाले हैं और ये उसका गार्लिक है। तो आपको दिखाते हैं बनाते हुए सब कुछ। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे कुक हैं, इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है +1 +2 में, वही आज काम आ रहा है। ये देखिए ये चाकू इनका 2010 का लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं, बाकी दिखाते हैं आपको। तो पनीर टिक्के के लिए दोस्तों पता ही है ऐसे ऐसे काटते हैं, मज़ा ही आएगा काफ़ी। दोस्तों आपको रेसिपी भी बता दी कैसे बनाना है पनीर टिक्का। पहले हम इसका बेस तैयार करेंगे, बस सिर्फ हमें कबाब में रखने और गरम करना होगा बस, बाकी इसके बाद हमें कोई वो नहीं होगा। तो एक और काट लेते हैं शिमला मिर्च, ये निकालना ज़रूरी होता है, ये सही नहीं लगता खाने में, इसके साथ सब्जी में तो बढ़िया लगता है पर इसके साथ सही नहीं होता। तो दोस्तों अब पनीर के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, ये देखिए पूरे स्लाइस कर रहा है। आपको पूरी रेसिपी दिखाते हैं कैसे बनता है, कैसे बनता नहीं कैसे हम बना रहे हैं। तो मुकेश पाल जी हमें स्टेप टू स्टेप दिखाएंगे। थोड़ा इधर कर ले, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है दोस्तों, इसके बिना इसका स्वाद नहीं आएगा। इसके बाद से ये पाउडर है, ये हल्दी का पाउडर है थोड़ा, ताकि रंग बढ़िया आए और हल्दी हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया होती है। थोड़ा बैक पे एरिया कोई बात नहीं। एक दोस्तों एक गलती हो गई हमसे, नमक नहीं लाए हम। दोस्तों जल्दबाजी में हम नमक लाना भूल गए, अब देखते हैं स्वाद पता नहीं कैसा होता है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम तो नमक कितना खा लेते हैं, तो मिर्च हम थोड़ी थोड़ा डालेंगे।
अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। जो हो गए रेडी, ये देखिए दोस्तों ये रेडी हो गया है। देखिए तो अब हम इसको लगाते हैं चूल्हे पे और आपको दिखाते हैं अभी। प्याज और इसके बाद एक पनीर का पीस। तो दोस्तों पनीर टिक्के का प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये देखिए ये जो तीली है हमें कहीं प्रोवाइड हुई तो है नहीं। हम यहाँ पे गए थे, यहाँ से आ रहे थे तो एक साइकिल की शॉप से साइकिल की तीली लेके आए हैं। कोई बात नहीं, जुगाड़ है, चलेगा, काम करेगा, दौड़ेगा दोस्तों। ये देखिए मुकेश पाल जी कर रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से रेडी कर रहे हैं। दोस्तों मेरे को तो कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, ये देखने में ही इतना सही लग रहा है तो आगे देखते हैं। और एक चीज़ की कमी है दोस्तों, नमक की, नहीं तो बढ़िया है। दोस्तों इनको ऐसा वैसा मत समझना कि टुच्चू पुच्चू हैं, ये एक नंबर के नंबर वन मास्टरपीस हैं। ये कारीगर भाई जिसको बोलते हूँ मैं, कारीगर अपने आप से तारीफ कर रहा हूँ, पर सही बात है भाई, जो जो चीज़ है तो वो है। तो साथ ही साथ भाई चैनल के जरूर सब्सक्राइब करना भाई को, सपोर्ट करो यार। देख सकते हैं देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, इन पहाड़ों के बीच में हम बना रहे हैं पनीर टिक्का। जो हमारा पनीर टिक्का है वो दोस्तों देखिए गर्म हो रहा है, इसको भून रहे हैं और ये मुकेश पाल जी इसमें और लकड़ियाँ डाल रहे हैं। दोस्तों बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। तो दोस्तों हमारा पनीर टिक्का रेडी हो गया है, हमने अच्छी तरह पका लिया उसको और अब हम उसको कैंप के अंदर लेके आ गए हैं। क्योंकि दोस्तों बाहर आप देख ही सकते हैं, बाहर धूप बहुत है और बाहर फिर दोस्तों मज़ा नहीं आएगा बाहर बैठ के खाने में। और ये देखिए हम उसको कैंप के अंदर लेके आ गए हैं, हमारे पास डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह तो था नहीं दोस्तों और हम जल्दीबाजी में लेके भी नहीं आ पाए। तो अब इसको ऐसे इंजॉय करेंगे, अभी हमारे पास एक कोक की बोतल भी है, उसी के साथ दोस्तों इंजॉय करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम फुल ऑन इन्जॉय कर रहे हैं। अगर आप दोस्तों आप भी इस लोकेशन में आना चाहते हैं तो दोस्तों मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, मैंने ये चक्की मोड़ की वीडियो बनाई हुई है और उसमें लोकेशन भी डाली हुई है कि कैसे कैसे आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं अगर यहाँ पे आना चाहें। दोस्तों हमने कैंप वैम्प सारा पैक कर लिया है और ये ब्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो हमने तो मैंने दोस्तों लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप लोग उसको ट्रैक करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए जय हिंद।